तो दोस्तों स्वागत आप सभी का। तो दोस्त आज मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच आईपीएल का मैच हुआ, जिसी मैच को सनराइज हैदराबाद ने 3 रनों से जीत लिया। तो इस मैच के बाद जो बजरंगदन सेरेमनी होता है तो उसमें किसको अवार्ड मिलता है तो उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला था अवार्ड नंबर 1 5 सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, जो इस मैच में कम गेंदें खेलकर ज़्यादा रन बनाए, हो रहा है टीम डेविड, जिन्होंने 18 गेंदों में 46 रन बनाए 255 के स्ट्राइक रेट से। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक टाटा 5 का ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में टीम डेविड बेहतरीन खेले लेकिन रन आउट हो गए, इसी वजह से मुंबई हार गए। अवार्ड नंबर 2 आते ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट ले ड्रीम इलेवन में, हो रहा है रमनदीप सिंह, जिन्होंने बॉलिंग के साथ 3 विकेट और बैटिंग के साथ 14 रन बनाए आखिर में, और इस मैच में 110 फैंटेसी पॉइंट लिया। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और ड्रीम इलेवन का ट्रॉफी दिया गया। अवार्ड नंबर 3 आता है अनअकैडमी लेस क्रैकिंग सिक्सेस ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारे, हो रहे टीम डेविड, जिन्होंने 4 छक्के मारे लेकिन उनका लॉन्गेस्ट सिक्स था 114 मीटर का। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया अनअकैडमी का। अवार्ड नंबर 4 आते हैं क्रिकेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच, जो पावर प्ले में सबसे अच्छा बैटिंग की, और सनराइज हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने पावर प्ले में 13 गेंदों में 24 रन बनाए। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया क्रिकेट पावर प्ले का। तो नेक्स्ट आता है अवार्ड नंबर 5 अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल असिस्ट ऑफ द डे, अपस्टॉक में जो सबसे ज़्यादा अप पॉइंट लिया इस मैच में वैल्यूएबल प्लेयर बने, वो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 3 छक्के और 9 चौके मारे। उन्होंने इस मैच में 76 रन बनाए। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक अपस्टॉक का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड आता है अवार्ड नंबर 6 स्विगी इंस्टामार्ट फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द डे। तो दोस्तों इस मैच में सबसे तेज गेंद की, हो रहे उमरान मल्लिक, जिन्होंने 154.8 किलोमीटर पर आवर गेंद किया रोहित शर्मा को। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक स्विगी इंस्टामार्ट का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट आता है अवार्ड नंबर 7 रुपए ऑन द गो फोर्स ऑफ द मैच, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे, हो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 9 चौके मारे और 76 रन बनाए 44 गेंदों में। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और 1 रुपये ऑन द गो फोर्स का ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में राहुल त्रिपाठी बेहतरीन इनिंग्स खेले। अवार्ड नंबर 8 आते प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, वो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग किया, 76 रन बनाए 3 छक्के 9 चौके की मदद से। उनको प्राइज के थ्रू 1,00,000 रुपये और एक प्लेयर ऑफ द मैच का ट्रॉफी दिया गया। तो दोस्तों इस मैच को जीतकर सनराइज हैदराबाद अभी भी प्लेऑफ में रेस में बने हुए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।